आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 3 दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार की शाम को पहुंचे अपने गृह जनपद गोरखपुर। भाजपा के पदाधिकारियों को किया संबोधित। गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना के साथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर टेका मत्था। जनपद में कोविड मरीजों की संख्या 1000 से कम होने पर जिला प्रशासन ने जिम, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की दी अनुमति। शादी विवाह में खुले स्थान पर 50% क्षमता के साथ लोग हो सकेंगे शामिल, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। चार फरवरी से कलेक्ट्रेट परिसर में 9 विधानसभा के लिए शुरू होने वाले नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी सभी गतिविधियों पर निगरानी। कलेक्ट्रेट में शुरू होने वाले नामांकन सहित उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के दृष्टिगत 4 फरवरी से 16 फरवरी तक कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 की तरफ जाने वाले वाहनों का किया गया है डायवर्जन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने दी जानकारी। भाजपा महानगर के पदाधिकारियों की बैठक में सीएम योगी ने कहा, नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी और काम दंगावादी। पूरे यूपी में मिल रहा है भाजपा को प्रचंड जनसमर्थन। बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है भाजपा भाजपा। फर्जी शिक्षक सीआईएसएफ के बर्खास्त सिपाही विश्वजीत कुमार को बैंक से मारुति ब्रेजा कार का लोन लेना पड़ा भारी। दिनेश चंद के नाम से शिक्षक बनकर कर रहा था नौकरी। एसटीएफ गोरखपुर फील्ड यूनिट ने गुरुवार देर शाम सीआईएसएफ के बर्खास्त सिपाही विश्वजीत कुमार को क्या गिरफ्तार, भेजा जेल। फरवरी से कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू होने वाले नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन कक्ष सहित कलेक्ट्रेट परिसर का किया निरीक्षण। कहा, नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए मजिस्ट्रेट व पुलिस फोर्स की गई है तैनाती। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया ब्रीफ। वादकारियों से किया अनुरोध। कहा, जरूरी होने पर ही आए कलेक्ट्रेट के न्यायालय परिसर में। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 389 केंद्रों पर 33,121 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,219 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 23,685 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन, पहले लगवाएं कोविड का टीका, उसके बाद करें चुनाव का प्रचार प्रसार। चार फरवरी को कलेक्ट्रेट परिसर में संभावित सीएम योगी के नामांकन के दृष्टिगत मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। दो विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण एनएक्सी भवन में सकुशल हुआ संपन्न। ईवीएम मशीन के संचालन सहित ईवीएम को सील करने की दी गई जानकारी। और गोरखपुर में गुरुवार को पाए गए 103 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में दूसरे दिन भी एक्टिव केस की संख्या रही 1000 के नीचे। अब एक्टिव केस की संख्या हुई 911। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।